नमस्कार दोस्तों, मैं आशिक राज फिर से स्वागत करता हूं अपने चैन टेक्निकल आशिक में। हम लोग एनोनमस ब्लॉक प्रोग्राम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द एम्प्लॉय नंबर एंड प्रिंट ऑल द डिटेल्स ऑफ EMP DEPT एंड सैलग्रेड टेबल। एम्प्लॉय नंबर डालना है, यूजर से डलवाना है और इस एम्प्लॉय नंबर से रिलेटेड EMP टेबल में, DEPT टेबल में और सैलग्रेड टेबल से जितने भी डेटा होंगे वो सब हम लोग को फेच कराने हैं, निकालने हैं, हमको डिस्प्ले कराने हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लेयर EMP परसेंटेज रो टाइप, DEPT परसेंटेज रो टाइप, ठीक है, और S सैलग्रेड परसेंटेज रो टाइप। तो यहाँ पे ED और S तीन टेबल, यहाँ पे EMP DEPT सैलग्रेड, यहाँ पे बिगिन सेलेक्ट स्टार्क इनटू E, ठीक है, सारा का सारा जो है सेलेक्ट करना है और स्टोर करना है E में, और फिर डिपार्टमेंट नंबर से सेलेक्ट करना है वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज कॉल टू एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर इज कॉल टू डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर, और सैलग्रेड का लोकल सैलरी, लो सैलरी और हाई सैलरी से हम लोग को निकालना है सैलग्रेड, वहाँ पे ग्रेड निकलेगा वहाँ से, और उसके बाद निकाल वो सब फेच करके उसके बाद से हम लोग को आउटपुट निकाल देना है, डिस्प्ले करा देना है हम लोग को, यूजर को, कि आपका ये जो एम्प्लॉय नंबर डाले हैं उसका ये सारा डिटेल्स ये है। ठीक है, तो हम लोग इसको रन कराते हैं, ये सारे को कोड को हम लोग रन कराते हैं कहाँ, और SQL प्लस वाले विंडो में हम लोग रन कराते हैं। आपको जो भी टूल्स है उसमें आप रन करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने SQL प्लस में यूज़ किया है तो आप भी उसी में करो, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, SQL डेवलपर में कर सकते हैं। यहाँ पे इंटर वैल्यू फॉर एम्प्लॉय नंबर देने के बाद डिटेल्स आ गए, यहाँ पे देख सकते हैं 7499 का ये सारा का सारा डिटेल्स आ गया। ठीक है, इसका जो है एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नेम, ये सेल लोकेशन, ग्रेड, मिनिमम सैलरी, हाई सैलरी, हाई सैलरी, लो सैलरी, वो सब यहाँ पे हम लोग को डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, 7369 का यहाँ पे हम देख सकते हैं, 7369 का भी वो सारा का सारा डिटेल्स हम लोग को दिखा दिया। तो ये क्या था हम लोग का प्रोग्राम, तीन टेबल से इस एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी डेटा होंगे वो सब हम लोग को डिटेल वहाँ हम लोग को डिस्प्ले कराने थे। तो हमने इस तरीके का प्रोग्राम बनाया है, और आप भी जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉय हैं सब में ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे जो प्रोग्राम रन करा के मैंने जो कुछ एग्जांपल दिखाए हैं उसमें आप भी दिखा सकते हैं, कोई जितने भी एम्प्लॉय है सबके दिखा सकते हैं। ये है, आप जो है कोड आप लिख लें, आप इस कोड को लिख लें, नोट डाउन कर लें और इसको रन कराएं अपने सिस्टम में। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताएं, ठीक है, और रन कराएंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ और आएगा, जो भी एम्प्लॉय नंबर डालेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट आएगा।